एक्चुअली क्या ना, मेरे को हिंग वटी लेनी थी, तो यहाँ पे चौराहे पे एक दुकान है, यहाँ से लेते हैं, जरा देखते हैं के पास हिंग वटी है आपके पास? कितने का है? कोई बढ़िया में नहीं है क्या? ना उसी के साथ ही ना रहता है। बढ़िया में क्या, ये सऊदी अरब देखो, सऊदी अरब शर्माओं का, ये भी बढ़िया है, पांच चार चीज है ये। कितने का है? जनरल आइटम है, 55 रुपये का। तो फिलहाल यहाँ से लिया है मैंने ये हिंग वटी, जो अशोक ठाकुर ने लगाया था। नहीं तो यहाँ पे नहीं आता क्या है? नहीं नहीं, मैं सामान लेने आया था कुछ। अच्छा, बेच कर रहे हैं, वीडियो को बना रहे हैं? ये ऐसे अपने लाइफ को रिकॉर्ड करता हूँ। अरे क्या रिकॉर्ड करते हैं अपनी लाइफ में? जैसे कि मान लो जो चल रही है, हाँ, उन सारी चीजों, जहाँ जहाँ आप जाएंगे, जैसे जैसे जाएंगे, हाँ, उन सारी चीजें रिकॉर्ड होती, पूरी रिकॉर्डिंग होती जाती है। हाँ, इंटरनेट पर यूज डालता हूँ मैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजेश प्रसाद, मांग रहने वाले, यहीं से हूँ मैं। रहते कहाँ? बलिया? तो फिर अभी बलिया में बांस दी, अमूल लिंथी है बलिया, बलिया बांसी रोड। क्या पूरा नाम क्या बताए? राजेश प्रसाद। राजेश प्रसाद, कोई जांच पड़ताल हो रही है क्या सबकी? नहीं नहीं, जांच पड़ताल को ऐसा कुछ लेकर है नहीं। हाँ, मैं ऐसी अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर वीडियोस बनाता हूँ। जैसे मान लो कारण है कि मैं कहीं घूमने जाता हूँ। ये प्रेरणा कैसे मिली आपको? वीडियो बनाना अच्छी बात है, शौक है हर चीज की, हर चीज की, जहाँ जाए जहाँ बात करें वैसे, मतलब स्टार्टिंग से शौक रहा है वीडियोग्राफी का, फोटोग्राफी का। अच्छा, तो फिर जैसे इंटरनेट पर आप यूट्यूब वगैरह अगर चलाएंगे तो लोग अपनी पर्सनल लाइफ लाइफस्टाइल को अपलोड करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगा, मैं भी वही मुझे उसी तरीके से व्यक्तिगत लाइफ, जैसे कि हाँ, पूरी दुनिया के सामने रखना। नहीं नहीं, व्यक्तिगत सारी पर्सनल लाइफ को तो नहीं रख सकता। हाँ, वही 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 बात मैंने कहा, मैं कुछ सामान लेने आया था या कोई घूमने आया, उसको रिकॉर्ड कर रहा। कई बार ऐसा होता है जो बलिया से बाहर है, कहते हैं कि सर चीज बलिया मार्केट की वीडियो बना के दिखाओ, जरा बलिया मार्केट कैसी है, बलिया में कौन कौन सी जगह घूमने वाली है, इन सब चीजों को लेकर। जैसे ऑडियंस जो मेरी है, जो मुझे देखते बहुत, हैं बहुत अच्छा है, बलिया तो अभयारण्य है ना, बहुत आदिकाल से चला आ रहा है। जो लोग मुझे देखते हैं कभी कभी रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे कई लोग ऐसे हैं जो बलिया से, बलिया के हैं लेकिन बलिया से बाहर रहते हैं, कभी कभी रिक्वेस्ट करते हैं सर हमें ये देखना है, बलिया की मार्केट देखना है, बलिया में कौन सा ऐसे टेम्पल है जो घूम सकते हैं। कई लोग पूछते हैं कि भाई बढ़िया मंदिर कौन सा है, कहाँ घूम सकते हैं, हर किसी को तो नॉलेज होती नहीं है। तो बलिया के रहने वाले हैं, बलिया के बारे में अभी तक क्या आपने ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में क्या ओपिनियन? बलिया के ओपिनियन आपने दिया? बलिया के जितने भी फेमस टेम्पल है सारी की मैंने बना के डाल रखी है, ठीक है, जितने भी फेमस प्लेसेज हैं, हालांकि जगह उतना भी ज़्यादा कुछ तो नहीं कहूँगा मैं, बलिया के अंदर घूमने लायक है, लेकिन जो भी है मैंने उसको डाला है इंटरनेट। बलिया नदी के बीच में, इधर घाघरा, इधर सरयू, इधर गंगा है, और बलिया राजा बली के नाम से तो जानते ही हैं, उसका सेंटर रहा ये बलिया और वो बलिया, बिहार वाली बलिया जो है, कभी ऐसा रहा होगा इस राजधानी थी और पूरा बलिया, और आप धार्मिक और ऐतिहासिक तथ्यों को लेकर जब चलेंगे पुराने, तो बलिया में सारे ऋषि महर्षि अभयारण्य, यहाँ एक तरफ सूर्पणखा रहती थी बक्सर में, बक्सर का पुराना नाम तो बाघ वहां पानी पीते थे, व्याघ्रसर नाम था, और व्याघ्रसर से बिगड़ते बक्सर हो गए, तो वहां वो भी रहते थे, ऋषि महर्षि भी रहते थे, और बलिया नहीं नहीं इतिहासकार नहीं, अरे जो भी जानेंगे सोचेंगे समझेंगे देखेंगे। अच्छा। भाई हमारे यहाँ श्रुति स्मृति तो होती है। अच्छा। स्मृति वो है जो विरासत में लिख के हमको मिली है। अच्छा। और श्रुति वो है जो दादा ने अपने पुत्र को बताया, पुत्र ने अपने पुत्र को बताया, उन्होंने अपने पुत्र को बताया, ये चली आ रही, इसको कहते हैं श्रुति। आप महाभारत में देखेंगे माल मंत्र दिया था, कौन? दो लोगों को माल मंत्र मिला, एक पराशर ने जी दिया था, किसको? सत्यवती को। अच्छा। और दूसरा दुर्वासा जी ने दिया था कुंती को। माल मंत्र का मतलब क्या? बहुत टेक्नोलॉजी बहुत हाई थी,
आपने सर्जरी विज्ञान क्यों है यहाँ, लेकिन मैं समझता हूँ शंकर भगवान जैसा सिविल सर्जन आदमी की गर्दन काट करके और बकरा का गर्दन जोड़ दिया दक्ष को, और दूसरे अपने पुत्र की गर्दन काट करके हाथी का गर्दन का प्रत्यारोपण हो गया। इतनी बड़ी सर्जरी, विज्ञान बहुत आगे था, आज तो अभी विज्ञान बहुत पीछे है। अभी बहुत कुछ करने किए जाने की जरूरत है देश और समाज के लिए, सब अपना ही। बना लिए का वीडियो आप भाई देखिएगा, अगर आप इस वीडियो को देखना है ना यूट्यूब पे, अगर आप सर्च करेंगे राजेश प्रसाद आपको वहाँ पे वीडियो मिल जाएगा। सर वीडियो बनाना हो तो बैठ के बढ़िया बना लीजिएगा, ठीक है? चलिए ठीक है, थैंक यू। आपका नाम? एसपी हो जाए हमारा, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो क्या हुआ कि इस तरीके से जब वीडियो बनती है ना तो काफ़ी सारे लोगों का अलग ही कुछ तरीके का रिएक्शन होते हैं। यहाँ पे एसपी हो जाते हैं तो उनसे मेरी बात हुई, काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन इन्होंने मेरे को दिया, शोर बहुत ज़्यादा हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे इन्होंने मुझे दिया, सारी चीज़ों के बारे में बताया, बढ़िया के बारे में, और पूछा कि आखिर जो आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो किस लिए कर रहे हो, तो सारी चीज़ें जो थी मैंने उनसे बताई, और उन्होंने कहा कि बहुत सारी चीज़ें बताई जो मुझे लगता था है कि मुझे आप सभी लोगों को पता नहीं था, जहाँ तक मुझे लगता है कि मुझे भी नहीं पता था, और बस इतना ही। और मुझे लगता है कि अब इस वीडियो को ख़त्म करने का वक्त आ चुका है, सो ख़त्म करते हैं और ब्लॉग को इसको यहीं पे एंड करते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।